नमस्कार, मैं स्वाति बाथवाल, डाइटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर। आज आपको बताऊंगी कि इस कोरोना महामारी में अपने फल और सब्जियों को किस तरह से सुरक्षित तरीके से खरीदें। पहली चीज, जब आप सब्जी और फल खरीदने जाएं, कोशिश करें कि आप अपने घर से कोई जूट का बैग या कपड़े का बैग जरूर लेके जाएं। दूसरी चीज है, मास्क पहन के जरूर जाइए और हाथ में ग्लव्स पहन के जाइए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक लेके जाएं और उसको घर के बाहर ही छोड़ें। WHO के हिसाब से कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक कोरोना वायरस जीवित रह सकता है और कोई भी प्लास्टिक में 72 आवर्स तक रह सकता है, तो इन दोनों को अपने घर के बाहर ही रखें। अगर आप कार्डबोर्ड लेके भी आते हैं तो छांव में कुछ देर तक अपने फलों और सब्जी को घर के बाहर ही रखें। कोशिश करिएगा कम से कम 7 से 8 घंटे तक, या एक दिन भी आप छोड़ सकते हैं। तीसरी चीज है, फलों को धोना। फल को और सब्जियों को आप अच्छी तरह से सोडा के पानी में धो सकते हैं। ठंडे पानी में धोइएगा, गर्म पानी में नहीं। गर्म पानी में आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो एक ढक्कन आप विनेगर या सोडा या नमक से आप अपने फलों और सब्जियों को आवश्यक रूप से जरूर साफ करिए। जो बड़े फल हैं जैसे तरबूज और खरबूज, इसको चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट तक। जैसे तरबूज है, घिया है, तोरी है, टिंडा है, जो ऐसे फल है जो आप अच्छी तरह से नहीं धो पाते हैं, तो आप इसको ब्रश से आवश्यक रूप से साफ करिए, ताकि आपका जो ब्रश है वो उनके अंदर तक जाकर अच्छी तरह से साफ करे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फल और सब्जी काटें उनको पहले धोएं, फिर उसके बाद काटें। काटने के बाद अगर आप इनको धोएंगे तो जो भी गंदगी है वो फलों और सब्जियों में चली जाएगी। पत्ते हैं जैसे पुदीना है, धनिया है, अगर आप इनको धोना चाहते हैं अच्छी तरह से तो आप इनको पहले काट लीजिए और एक तसले में पानी भरकर उसमें छोड़ दीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक धोइएगा ताकि उसका सारा गंदा निकल जाए। प्लीज अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार वालों को सेफ रखिए और सुरक्षित रखिए, और फलों और सब्जियों को जरूर खाइए, क्योंकि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। धन्यवाद।